हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से दीपक क्लासेस के अंदर। और आज हम अपने लास्ट वीडियो कवर करने जा रहे हैं लॉक की, जिसमें हम पढ़ेंगे अपना ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स को हम अपना इसमें कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में, ठीक है जी। चलो स्टार्ट करते हैं अपना ट्रू फॉल्स, और बहुत छोटी वीडियो, बड़ी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे ट्रू फॉल्स, ध्यान देते रहना। क्या है जी पहला क्वेश्चन, लॉग 3 प्लस लॉग 5 क्या लॉग 15 होता है? हाँ जी, आपको पता है जी लॉग 3 प्लस लॉग 5 बेस सेम लॉग 3, लॉग ए प्लस लॉग बी का फॉर्मूला क्या होता है? लॉग ए बी, तो 3 × 5 चेक कर लिया हमने, लॉग ए लॉग क्या होता है? 15 होता है। तो हमने कहा ये क्या है हमारा ट्रू है। पीछे रीजन क्या देंगे इधर, लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है जी बेटा? लॉग ए बी होता है। क्लियर जी। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेलो बेटा, हमारे पास अगला क्वेश्चन आया नया, तो हमने इसका सोल्यूशन कैसे करना है डियर? बहुत सिंपल, मैंने ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन करा रखे हैं तो बहुत ही ज्यादा छोटा है। चलो जी कैसे करेंगे, लॉग 2 जो बेस आपको गिवन है, फिर लॉग जो बेस आपको गिवन है, और लॉग 81 टू द बेस। मैंने आपको बताया था बेटा इसमें सबसे अंदर वाले ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, जब भी करते हैं इसका अंदर वाले, तो आप इसका जब अंदर वाले ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करना है बेटा आपको यहाँ, ठीक है? सॉरी, ये जहां पर मैंने मार्कर लगा रखा है वहां से स्टार्ट करना है आपको। तो यहां से जब स्टार्ट करेंगे तो कैसे करेंगे डियर, आपको पता है, ये लो जी लॉग 2, लॉग 2 बेटा आपको क्या करना है, ये किसकी पावर होती है? 81, 81 को हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हम कहेंगे भाई 3 की पावर 4 को हम 81 कर सकते हैं, ठीक है। अब अगले स्टेप में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था जो पावर है उस पावर को आगे ले आएंगे लॉग के, तो क्या हो जाएगा 4 log 3 to the base 3 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? अब भाई जब 4 log 3 to the base जो ये है, ये तो हो जाएगा 1। जब ये 1 हो जाएगा तो आपके पास क्या बच जाएगा डियर, आपके पास बच जाएगा log 2 और आगे यहां पर log 2 और 4 × 1। अच्छा अब क्या होगा आगे, log 2 और ये हो जाएगा log 4 to the base 2। अब इसमें भी 2 बना दूंगा तो ये भी 1 हो जाएगा। इधर देखो, इसको मैं ले सकता हूँ log 2 की पावर 2 to the base 2, ठीक है जी। तो फिर मैं पावर आगे ला सकता हूँ log 2 और 2 log 2 to the base 2, ये ले आया मैं पावर आगे, आपको दिख रहा है अब log 2 to the base 2 और ये हो गया 1, ठीक है जी। और यहाँ पर भी ये बेस और एन सेम है तो हम कहेंगे ये भी हमारा क्या हो गया 1, हमारा आंसर क्या है 1 है जी। आगे बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके लो जी बेटा, ये क्वेश्चन आप ध्यान से जरा पढ़ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखना क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इसका ना लैंग्वेज थोड़ा समझना आप। कह रहे थे लॉगरिथमिक ऑफ 324, 324 का लॉग जब बेस आपका ये होगा तो लॉग क्या ये निकलेगा? क्या कह रहा है बेटा, मैं आपको ध्यान से सुनना, कह रहा है जी 324 का लॉग निकालना है जब बेस आपका 3√2 हुआ, क्या उसका आंसर 4 निकलेगा? 4 मतलब अगर मैं इसको मान लेता हूँ लेट द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ दिस इज x और x की वैल्यू अगर 4 आ गई तो मैं कहूंगा क्या है, मैं कहूंगा बेटा ये ट्रू है, लेट द रिक्वायर्ड वैल्यू बी x, ठीक है जी। ये आपका सोल्यूशन, अब आपको एस की वैल्यू निकालनी है, अगर एस की वैल्यू -4 आ गई तो मैं कहूंगा कि ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर ट्रू कहलाएगा। बस यही एक बड़ा क्वेश्चन है, उसके बाद सारे क्वेश्चन छोटे जी। मैंने आपको बताया था इसको a की पावर x इजिकल टू n की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो भाई ये हो जाएगा √3 1/√2 की पावर x इजिकल टू 324 हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है, आप ऐसा करो कि ये जो 3√2 है, 3 को भेज दो अंदर, जब आप 3 को अंदर भेज दोगे तो ये रूट में डबल बार इंटीग्रल जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, ये रूट में जाएगा 3 × 3 × 2 की पावर x इजिकल टू क्या हो जाएगा 324।
यहां से समझ में आता है? अच्छा, इसको आपको क्या करना है, एक मिनट, हाँ तो इसको आपको करना है, वन अपॉन में 18 हो जाएगा रूट में, और जो पावर एक्स चल रही है वो एज इट इज जाएगी, इजिकल टू 324। ठीक है जी, अब इस पावर को 18 को मैं ले सकता हूँ वन अपॉन में 18 की पावर 1/2, और जो बाहर चल रहा है एक्स, और इसको ले सकता हूँ 18 का स्क्वायर, ये 18 का स्क्वायर होता है भाई 324। ठीक है जी, अब मैं इस जो पावर है नीचे की इसको लाता हूँ नेगेटिव में ऊपर, तो हो जाएगा 18 की पावर -1/2, और जो एक्स चल रहा है वो एज इट इज जाएगा इजिकल टू 18 की पावर स्क्वायर। ठीक है जी, अब मेरा क्या बच गया डियर, मेरा बच गया 18 की पावर, इसको एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, -x/2 इजिकल टू 18 का स्क्वायर। अब क्या हुआ, मल्टीप्लाई बाय 2 इन पावर, पावर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, या आप डायरेक्ट ही -1/2 को वहां भेज दो। ठीक है जी, तो -2 से मल्टीप्लाई करना क्योंकि इधर पॉजिटिव लेके आना है, तो इधर क्या हो जाएगा 18 की वैल्यू -x/2 और मल्टीप्लाई कर दिया -2 से इधर, और 18 पावर 2 इंटू 2 कर दिया। ठीक है जी, -2 से, अच्छा तो ये हो जाएगा भाई 18 की पावर 2 से, तो 2 कैंसिल आउट हो गया डियर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ प्लस का एक्स बच जाएगा, और इधर क्या होगा 18 की पावर -4। जब बेस सेम होते हैं नीचे के तो क्या हो जाता है, एक्स इजिकल टू क्या होगा -4, और ये आपका आंसर है, तो हमने कहा ये हमारा क्या है, ट्रू है। क्लियर है जी, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं अपना। तो बच्चों अब जो क्वेश्चन है उसको समझने के लिए आपको कुछ बातें सीखनी पड़ेगी मेरे साथ, आओ जरा कुछ बातें सीखते हैं। मैंने बातें पहले भी आपसे डिस्कस करी है, फिर भी मैं आपको याद दिलाने के लिए बातें दोबारा डिस्कस करने जा रहा हूं। बेटा जब आपको लॉक के अंदर जो बेस होता है, बेस जैसे आपके पास लॉग मान लेते हैं ए है, और बेस आपके पास यहां पर होता है, अगर बेस गिवन ना हो, बेस नॉट गिवन, अगर आपको बेस गिवन नहीं होगा तो आप दो चीज एज्यूम करते हो बेटा, जब बेस गिवन नहीं होता तो क्या चीज एज्यूम करते हो, दो, या तो आप बेस को मान लेंगे 10, ये एज्यूम करते हैं कि बेस को क्या मान लेंगे 10 मान लेंगे, या आप बेस को मान लोगे e, दो चीज एज्यूम करते हो बेटा, या तो आप बेस को क्या मान लोगे 10 मान लोगे, या बेस को क्या मान लोगे e मान लोगे। जब बेस गिवन नहीं होता तो क्या चीज एज्यूम करते हैं, या तो हम बेस को 10 मान लेंगे या हम बेस को e मान लेंगे। अगर बेटा आपने वो सिचुएशन पे बेस करता है कि क्या माना है, अगर आपने बेस को 10 माना है तो हम इसको कॉमन लॉगरिथमिक कहते हैं, कॉमन लॉगरिथमिक। दोबारा मैंने क्या बताया, अगर बेस आपको गिवन नहीं है और आपने बेस क्या माना है 10 माना है, तो हम इसको क्या नाम देंगे, कॉमन लॉगरिथमिक। अगर आपने बेस e माना है तो हम इसको नाम देंगे नेचुरल लॉगरिथमिक। ठीक है जी, तो e बेस वाले क्या नाम दिया जाएगा, जिसका बेस e होगा उसको नाम दिया जाएगा नेचुरल लॉगरिथमिक, और जिसका बेस 10 होगा उसको नाम दिया जाएगा कॉमन लॉगरिथमिक। ये आप उतार लीजिए, अगर उतार रखा है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो नहीं उतारा तो उतार लेना। ठीक है, इसके बिहाव पर एक क्वेश्चन करते हैं, इसके बिहाव पर एक क्वेश्चन करते हैं, जो हमें क्वेश्चन गिवन हो रखा है उसमें, ये लो जी ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया आपके लिए। आओ जरा फोर्थ क्वेश्चन पढ़ना, जरा फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो लॉगरिथमिक ऑफ बेस 10, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, लॉगरिथमिक ऑफ बेस क्या है आपके पास 10 है, क्या उसको नेचुरल लॉगरिथमिक कहेंगे, बताओ बताओ मैंने क्या माना बोला था आपको, जिस लॉगरिथमिक का बेस 10 होगा हम उसको नेचुरल लॉगरिथमिक कहेंगे, देखो जिसका बेस 10 होता है उसको क्या कहते हैं, कॉमन, नेचुरल कब कहते हैं, जब बेस e होता है। तो ये सही है बोल रहा है या फॉल्स बोल रहा है, ये भाई बातें फॉल्स है, ये गलत बोल रहा है, क्योंकि बेस 10 जब किसी का होता है तो हम उसको क्या नाम देते हैं, हम उसको नाम देते हैं कॉमन लॉगरिथमिक।
कॉमन लोग रहते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन पढ़ो। दो लघुगणकों के बीच बेस ई, अब बेस क्या है, ई है, क्या उसको कॉमन लॉगरिथम बोलेंगे? ना 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 ना, उसको क्या बोलेंगे डियर? नेचुरल लॉगरिथम। तो हमने कहा ये आंसर भी हमारा क्या बोल रहा है, ये भी फॉल्स है। जब बेस आपके पास क्या हो, जब बेस ई हो, तो हम उसको नाम क्या देते हैं, नेचुरल लॉगरिथम। ये लिखना है आपको, नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है जी, क्लियर है यहां पर बात है। आओ, दो क्वेश्चन हमने कवर करा, अब अगला कंसेप्ट सीखो। अगला कंसेप्ट सीख के अगली बातें को कवर करते हैं। ठीक है जी, मैं आपको बात बताने जा रहा हूं कि मान लो बेटा आपके पास लॉग है और लॉग के आगे लिखा है 0.3010। लॉग आपको क्या कहना है, लॉग 0.3010। तो एक तो आपके पास ये पार्ट हुआ और एक आपके पास ये पार्ट हुआ, मतलब पॉइंट के बाद एक पार्ट होता है आपके पास और पॉइंट के पहले एक पॉइंट पार्ट होता है। तो यहां आपके पास पॉइंट है बेटा, यहां आपके पास पॉइंट है। तो हमने कहा भाई ये पार्ट को हम क्या नाम देते हैं और ये पार्ट को हम कुछ नाम देते हैं। ये पार्ट को हम नाम देंगे इंटीग्रल, क्या नाम देंगे भाई, इंटीग्रल, इंटीग्रल पार्ट, क्या नाम देंगे बेटा, इंटीग्रल पार्ट। और इस पार्ट को नाम देते हैं डेसिमल पार्ट, क्या नाम देते हैं इसको, डेसिमल पार्ट। मतलब डेसिमल के पीछे जो भी पार्ट होगा उसको हम डेसिमल पार्ट बोलेंगे और डेसिमल के आगे जो भी पार्ट होगा हम उसको इंटीग्रल पार्ट कहेंगे। ठीक है जी, यहां तक बात तो मेरे को क्लियर हुई। और बेटा इसको एक और नाम दिया जाता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, हम इंटीग्रल पार्ट को क्या नाम देंगे, इंटीग्रल पार्ट को नाम हम दिया जाएगा करैक्टरिस्टिक्स, क्या नाम दिया जाएगा बेटा, करैक्टरिस्टिक्स। ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको डिटेल में क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछेगा ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू में से, करैक्टरिस्टिक्स नाम दिया जाएगा, मतलब इंटीग्रल पार्ट, डेसिमल के आगे जो पार्ट होगा उसको नाम दिया करैक्टरिस्टिक्स और डेसिमल वाले पार्ट को क्या नाम देगा, मेंटिस, क्या नाम देगा, मेंटिसा, क्या नाम होगा बेटा, मेंटिसा। ये आपके पास दो बातें हुई। ठीक है जी, तो इंटीग्रल पार्ट को क्या नाम दिया जाएगा, करैक्टरिस्टिक्स, और डेसिमल पार्ट को क्या नाम दिया, मेंटिसा। चलो जी, इसके बिहाफ पर क्वेश्चन हम फिर दोबारा करते हैं। तो हमने कहा ये हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उतार लीजिए जी, अगर आपको स्क्रीनशॉट खींचना है तो स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। ये लो जी स्क्रीनशॉट, आप क्लियर कर लो। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। कर लिया स्क्रीनशॉट, चलो अब क्वेश्चन को कवर करते हैं। हमने दो क्वेश्चन कवर कर लिए थे, अब ये आला क्वेश्चन, अब इधर देखना, ये आप क्वेश्चन देखो आठवा, कह रहा जी द इंटीग्रल पार्ट, द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वैल्यू लॉग, लॉग की जो वैल्यू होगी उसका जो इंटीग्रल पार्ट होगा, उसका जो इंटीग्रल पार्ट होगा क्या उसको करैक्टरिस्टिक बोलेंगे, क्या उसको करैक्टरिस्टिक बोलेंगे, बताओ बेटा। मैंने क्या सिखाया था, हाँ उसको क्या करेंगे, करैक्टरिस्टिक बोलेंगे। हमने कहा ये ट्रू है क्योंकि हमने कहा 0.3010 जो इंटीग्रल पार्ट ये हुआ इसको हम नाम देंगे क्या, करैक्टरिस्टिक्स। ठीक है जी, अच्छा द डेसिमल पार्ट, अगला क्वेश्चन देखना, द डेसिमल पार्ट किसका, लॉग का, लॉग का जो डेसिमल पार्ट होगा क्या उसका नंबर को हम मेंटिनिसा कहेंगे, हाँ जी बेटा मेंटिनिसा ही कहते हैं। तो हमने कहा ये आंसर भी हमारा क्या है, ट्रू है, कि भाई 0.3010 का अगर हम डेसिमल पार्ट देखेंगे, डेसिमल पार्ट कौन सा होता है, याला होता है, तो ये डेसिमल पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, मेंटिनिसा कहलाएगा। यहां तक बात क्लियर है आपको, चलो जी दो पॉइंट हमारे यहां पर इस बेस पर क्लियर हो। अब छठा सातवां क्वेश्चन भी देख लेते हैं, पांचवें तक हमने कर लिया था। क्या जी द लॉगरिथमिक ऑफ वन, किसका लॉग निकालना है, वन एनी बेस, क्या उसका आंसर जीरो होगा, बिल्कुल सही भाई ट्रू है। कैसे, हमने कहा भाई किसका, लॉग वन का बेस क्या हो, कुछ भी, कुछ भी, या तो आप टेन मान लो या तो आप ई मान लो, कुछ भी मान लो, तो हमारा आंसर क्या होगा, जीरो होगा। लॉग वन की वैल्यू हमेशा जीरो होती है बेटा, बेस कुछ भी हो। तो हमने कहा यह क्या है, ट्रू है हमारा। ठीक है जी,
आगे द लॉगरिथमिक ऑफ ए नंबर, द लॉगरिथमिक ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का लॉग, मैंने कहा ये नंबर मेरे लिए n है, ये नंबर क्या है n है, तो इस n का नंबर का क्या लिखूंगा लॉग, मैंने कहा किसी भी नंबर का लॉग विच इज नॉट इक्वल टू 1। अब n किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब 1 के अलावा कुछ भी हो, नॉट इक्वल टू 1 इज इट सेल्फ एज बेस 0, एज बेस 0, भाई अगर क्या बोला दोबारा पढ़ना, तो लॉगरिथमिक ऑफ अ नंबर विच इज नॉट इक्वल टू 1, किसी भी नंबर का लॉग जो किसके बराबर नहीं है, विच इज नॉट इक्वल टू 1 इज इट सेल्फ एज बेस इज 0, इट सेल्फ एज बेस इज 0, तो भैया किसी भी नंबर का लॉग नहीं होगा, तो हमने कहा ये फॉल्स है, कैसे भाई कैसे फॉल्स है जी, ये देखो बेटा लॉग एन जो आपको दिवन है, तो लॉग एन कभी जीरो नहीं होगा, बस वन पे ही लॉग एन जीरो होता है, जब एन बराबर क्या ना हो, वन हो, जब एन बराबर क्या हो, जब एन बराबर क्या हो बेटा, एन बराबर वन नहीं हो, तो लॉग वन की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है जी, और लॉग वन की वैल्यू जीरो होती है, हमने कहा भाई ये तो गलत है, कैसे, द लॉगरिथमिक ऑफ अ नंबर किसी भी नंबर का लॉग विच इज नॉट इक्वल टू वन, जब कब ना हो, वो वन के इक्वल ना हो, एज वन इज इटसेल्फ एज बेस, खुद का ही बेस हो, जिसका क्या हो, बेस इटसेल्फ हो, इज जीरो, देखो बेटा मैंने क्या बोला, इटसेल्फ हो, अगर मैं लिख रहा हूँ वन, अगर मैं लिख रहा हूँ टू, और टू का बेस, बेस भी इटसेल्फ यही होना चाहिए, क्या वो जीरो होगा, ये हमेशा वन होता है बेटा, दोबारा में अगर देखो, दोबारा देखो, तो लॉग में तो नंबर का जो लॉग निकालना है, जो कि नंबर जो होना चाहिए वन के इक्वल नहीं होना चाहिए, वन के इक्वल नहीं होना चाहिए, और इटसेल्फ एज बेस, जो भी नंबर होगा वही उसका बेस होगा, तो हमने कहा भाई थ्री, तो नंबर भी बेस भी थ्री, ये हमेशा वन होता है, तो लॉग फाइव टू द बेस फाइव, लॉग फाइव टू द बेस फाइव भी क्या होगा, वन होगा, मतलब हमें क्या लगा, क्या वो जीरो होगा, क्या वो जीरो होगा, नहीं वो वन होगा, ठीक है ले रहे बेटा, यहां तक समझ में आया, आठवां नौवां दसवां, दसवां देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का, कह रहा जी आप बताओ द लॉगरिथमिक ऑफ सम नंबर, किसी भी नंबर का लॉग डिफरेंट बेस हो, क्या वो डिफरेंट होंगे, सही बात है भाई, कैसे, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने कहा भाई लॉग लॉग 4 टू द बेस 2 और लॉग 4 टू द बेस 3 क्या दोनों अलग अलग नहीं होंगे, हाँ अलग अलग होंगे भैया, क्योंकि ये क्या है, बेस डिफरेंट है, डिफरेंट, अगर इनका बेस डिफरेंट हुआ तो क्या ये नंबर भी डिफरेंट होंगे, हाँ जी हाँ जी, इन नंबर भी क्या होंगे, आपस में डिफरेंट होंगे, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर आपस में क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है जी, आया बात को समझ में, और यहाँ पर हमारा खत्म होता है, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स सारे खत्म कर लिए हमने, लॉगरिथमिक चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, चलो जी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और प्रॉब्लम आप पूछ सकते हो कमेंट पे लिखकर, प्रॉब्लम पूछ सकते हैं।